अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारे चार रशिया का वीज़ा लग के आए हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, इनकी डिटेल्स बता दूं। दोस्तों, रशिया ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी रशिया की यूरोप के साथ नहीं बनती, तो हमें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलेगा, या अमेरिका के साथ वीज़ा नहीं बनती तो अमेरिका वीज़ा नहीं देगा। तो मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ कि पाकिस्तान की बनती है सबके साथ। पाकिस्तान से अगर कोई होकर वापस चला जाए तो फिर उससे पूछना शुरू कर दिया जाता है कि पाकिस्तान क्या करने गए थे। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूरोप के, अमेरिका के, कनाडा के वीज़े लग सकते हैं, तो क्या जो लोग रशिया से होकर आए, क्या उनके नहीं वीज़ा मिलेंगे? और मैं सबसे बड़ी एग्जांपल खुद अपनी देता हूँ कि मैंने जब यूएस का वीज़ा, मेरे दुनिया के जितने भी बड़े वीज़े लगे वो सब रशिया वीज़ा के बाद लगे। तो पाकिस्तान से रशिया का वीज़ा लेना भी दोस्तों बहुत एक टफ काम है, मिलता ही नहीं है। मैं यहाँ से अक्सर लोग जो आते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, तो वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग कंट्री भी हो, अच्छा खूबसूरत कंट्री भी हो और जिसकी कुछ वैल्यू भी हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप रशिया में ट्रैवल करें, रशिया का वीज़ा लगवाएं। एक बार आप रशिया से होके आएंगे तो आप नेक्स्ट बड़े कंट्री का वीज़ा ले सकते हो आसानी से। उसकी रीज़न ये है कि रशिया के साथ अटैच होता है शेंगेन बॉर्डर, जिनमें नॉर्वे आता है, उसके बाद स्वीडन लगता है, और आई थिंक सो लेटविया या फिर एस्टोनिया है, ये कंट्रीज़ उसके साथ, शेंगेन कंट्रीज़ उसके साथ अटैच होते हैं। फिर यूक्रेन का बॉर्डर है और दूसरे कंट्रीज़ लगते हैं यूरोपियन। तो इसके लिए सिर्फ आपने एक पासपोर्ट की कॉपी देनी है, एक पासपोर्ट चाहिए और एक पिक्चर चाहिए, दैट्स इट। किसी किस्म की कोई एनओसी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अक्सर लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एनओसी नहीं है, इसलिए हम वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे। तो मैंने उनको भी बताया कि आपका एनओसी भी नहीं चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। फिर एक कैटेगरी वो आती है जो कहते हैं कि जी हमारा वीज़ा डेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा लो है, लेबर कैटेगरी में ऑर्डिनरी लेबर आता है, या फिर पेंटर, मैसन, इस तरह के। तो मैसन, ऑर्डिनरी लेबर, पेंटर, अगर ये भी लोग होंगे तो इनका भी रशिया के गारंटी 100% वीज़े लगेंगे। और मैंने बहुत सारे पहले भी वीज़े लगवाए थे, ऑर्डिनरी लेबर पे भी लगवाए थे, मैसन कारपेंटर वगैरह पे भी लगवाए थे, और अच्छी कैटेगरी वालों को तो लग ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, जो लो कैटेगरी है, खैर अब तो हाई कैटेगरी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, इनको सबको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा जो होता है 6-7 दिन का या 8-10 दिन का, जितना भी होता है। पहले वीज़ा मिलता था 1 ईयर, मल्टीपल एंट्री भी मिल जाता था, थ्री मंथ्स का भी वीज़ा मिलता था, बिजनेस वीज़ा उसको कहा जाता था। लेकिन अभी बिजनेस वीज़ा नहीं मिल रहा, उसके लिए क्राइटेरिया उन्होंने अलहदा से रखा हुआ है। तो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से टूरिस्ट कंट्री भी बहुत ज़बरदस्त है, और टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करें रशिया का। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है जी, रशिया वीज़ा जो है मिल जाता, फिर उसके बाद एंट्री नहीं मिलती। यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि भाई आप अगर एक बार वीज़ा ले सकते हो, एंट्री भी आप ले सकते हो। और अक्सर लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, एक होता टूरिस्ट वीज़ा, एक होता बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा में अक्सर जाने वालों से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं उनके साथ पेड होटल वाउचर होता है, होटल बुकिंग कन्फर्म होती है उनके साथ। अगर आप ये सारी चीज़ें लेके जाओगे डेफिनेटली आपको एंट्री मिलेगी। एयरपोर्ट पे जाने का तरीका ये है, आपके पास पासपोर्ट तो ओबियस बात होगा, फ्लाइट रिजर्वेशन कंफर्म करवानी है, होटल बुकिंग आपका कंफर्म होना चाहिए, पेड हो, और उसके बाद आपके पास शो मनी होनी चाहिए। शो मनी $1,000-1,200 आपके पास होना चाहिए 6-7 दिन के लिए। इतना होगा, आपको 3-4 प्लेसेस के नाम पता होंगे, मॉस्को में आपने जाना है। अक्सर लोग जी उनको पता ही नहीं है आए किधर है, जाना किधर है, बोलना क्या है। एयरपोर्ट पे जाके जी मैंने मॉस्को भी जाना है, सेंट पीटर्सबर्ग भी जाना है, और साइबेरिया भी जाना है। तो भाई पता ही नहीं है, आप मॉस्को में उतर रहे हो, मॉस्को में ही रहना, मॉस्को में 4-5, मॉस्को इतना बड़ा कि उसको आप कवर करोगे एक हफ्ता, अगर वहाँ पर भी घूमते फिरते रहो तो वो ख़त्म नहीं होता। तो उसकी कुछ मेन फेमस प्लेसेस हैं, उनका नाम ले लो आप, लाइक रेड स्क्वायर हो गया, क्रेमलिन स्क्वायर, उसके बाद मॉस्को रिवर हो गया, बिजनेस बे हो गया, इस तरह कुछ 4 प्लेसेस के नाम ले लो, वहाँ पे आपने टूर के लिए जाना तो डेफिनेटली आपको एंट्री मिलेगी। बाकी जो हमारे वीज़ा लग के आए हैं वो मैंने तमाम इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हुए हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कोई भी नेशनैलिटी हो, हर बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है और डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा भी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पर, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।